सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप में मामले में एथिक्स कमेटी ने गुरुवार 9 नवंबर को टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रिपोर्ट अडॉप्ट की है। रिपोर्ट में मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। बिहार विधानसभा में गुरुवार 9 नवंबर को एससी एसटी और पिछड़े वर्गों का आरक्षण बढ़ाने वाला बिल पास हो गया है। धनतेरस के मौके पर देश भर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके लिए कारोबारियों ने जमकर तैयारी कर रखी है। बता दें कि शुक्रवार को 10 नवंबर 2023 को धनतेरस है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 9 नवंबर को सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टिक जॉर्ज मसीही और संदीप मेहता को जज नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के आईटी मंत्री केटीआर राव गुरुवार 9 नवंबर को चुनाव प्रचार के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए। केटीआर राव निजामाबाद जिले में आरमोर में एक चुनाव प्रचार के दौरान गाड़ी से गिर गए। सदन में गुरुवार को कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश कुमार जीतन राम मांझी पर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ भी ऐसा ही बोलते रहते हैं, इनको कोई सेंस नहीं है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण आम जनता जहां परेशान है, वहीं ये मुद्दा राजनीतिक हमलों की वजह बनता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में इसको लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण की स्थिति पर मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें अहम फैसले लिए गए। अब वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय का कार्यवाहन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों को जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। सीएम अशोक गहलोत के हमशक्ल कहे जाने वाले रामेश्वर दाधीच ने गुरुवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाल ही में दिए गए बयान पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीती बुधवार रात 8 नवंबर को उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इस बयान ने देश के हर व्यक्ति पर कलंक लगा दिया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को राज्य में प्रदूषण की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। बीएमसी आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में सीएम शिंदे ने बीएमसी और पुलिस प्रशासन को खास निर्देश दिए हैं। दिवाली के दिन मुंबई में शाम 7 बजे से 10 बजे तक केवल लोगों को पटाखे जलाने की अनुमति होगी। 17 नवंबर को होने जा रहे दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को अमित शाह ने जशपुर में रैली की। इस दौरान अमित शाह ने दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। साल 2023 की मोस्ट पॉपुलर फिल्म दार्चीज का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। जोया अख्तर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में नए चेहरे नजर आएंगे। दार्चीज का शानदार ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। सपा ने आरोप लगाया कि पन्ना विधानसभा में अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में पत्रकार के रूप में आपराधिक किस्म का संदिग्ध व्यक्ति घुस आया। सपा ने इन मामले की जांच की मांग की है। आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत की वापसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पंत को दिल्ली कैपिटल्स की तैयारियों में कैंप में कोलकाता में देखा गया है, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि टूर्नामेंट के अगले सीजन में उनका खेलना तय है।